नमस्कार, जीवन राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति द्विवेदी। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों। खबर प्रतापगढ़ जिले के अरनोद से है, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना दिवस विजया दशमी पर भव्य पथ संचलन निकाला गया। पथ संचलन शिव पैलेस से प्रारंभ होकर कस्बे के विभिन्न मार्गों से होते हुए महाराणा प्रताप स्टेडियम पहुँचा। कस्बे में कई जगह पुष्प वर्षा के साथ कस्बे वासियों ने स्वागत किया। बस स्टैंड पर राजस्थान सरकार के राजस्व विभाग के कैबिनेट मंत्री हेमंत मीणा ने अरनोद भाजपा मंडल के कार्यकर्ताओं के साथ पुष्प वर्षा करके भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्य वक्ता आनंद प्रताप सिंह, प्रांत महाविद्यालय विद्यार्थी कार्य प्रमुख ने अपने उद्बोधन में कहा कि संघ अपनी शताब्दी वर्ष में जा रहा है। उन्होंने कहा, संघ को बाहर से देखने से समझ नहीं आता है, संघ को समझना है तो संघ में आना पड़ेगा, और संघ का केवल एक ही कार्य है, भारत माता की जय, और इस जय का कार्य करते हुए हमें इस वर्ष भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनानी है। उनके द्वारा जनजाति के अंदर जो भाव भरा उसे पुनः जागरण करना है। साथ ही अहिल्या बाई होलकर की 350वीं जन्म शताब्दी मनाने जा रहे हैं। हमें इन सब को जोड़ते हुए हमारे समाज के अंदर के रावण को खत्म करना है। उत्सव से पूर्व में जिला संघचालक तुलसी राम मीणा, खंड संघचालक दलोन सोहन मीणा, खंड संघचालक अरनोद शंकर लाल डांगी ने शस्त्र पूजन किया। समापन पर जिला संघचालक तुलसीराम मीणा के द्वारा आभार व्यक्त किया गया। संचलन में विभाग प्रचारक सत्यनारायण, जिला प्रचारक हेमंत सहित स्वयंसेवक मौजूद रहे। अरनोद से पवन धाकड़ की विशेष रिपोर्ट।